السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون शरीयत मुहम्मदिया अल्लाह मालिक की अजमत रब की शान के बारे में इंतहाई हसास है, इसीलिए इस्लाम ने मुशरिकीन कुफार के झूठे माबूदान को बुरा भला कहने से मना किया कि कहीं ये ना हो कि जवाब में ये अहले शिर्क सच्चे अल्लाह के बारे में गुस्ताखी वाली जुबान इस्तेमाल करने लग जाएं बगैर इल्म के। तो अहले ईमान को ही मना कर दिया कि तुम मुशरिकीन के बुतों को कुछ नहीं कहना, इनके बारे में जुबान ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी कि बुत ऐश में आकर बगैर इल्म के अल्लाह मालिक की गुस्ताखी करने लग जाएं। ये आयत अहले ईमान को मना कर रही है कुफार मुशरिकीन मक्का के माबूदान को बुरा कहने से। मोमिन तो सोच भी नहीं सकता कि उसकी जुबान से कोई ऐसा जुमला निकले नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह जिससे मालिक की अल्लाह की मौला की कोई अदना सी गुस्ताखी का पहलू निकलता हो, क्योंकि मोमिन के बारे में तो कुरान हकीम ने बहुत प्यारी आयत के जरिए हमें उनके दिलों की कैफियत बताई। वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान लाते हैं वो सबसे बढ़कर शदीद मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के साथ करते हैं। लेकिन कितने ही लोग हैं जो दावा इस्लाम का करते हैं, नाम मुसलमानों वाला रखते हैं, लेकिन अल्लाह मालिक की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखी कर जाते हैं, ऐसे ऐसे जुमले कह जाते हैं कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर ईमान हो वो उन जुमलों को जुबान पे लाना तो दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आइए जाकिरों का एक, रावदियों का एक अल्लामा, उसका ये जुमला मैं आपको सुनवाता हूं और ये मंजर भी दिखाता हूं। इन रावदियों के मौलवियों का, जाकिरों का जब आपको क्लिप दिखाया जाता है उसकी कुफरिया गुफ्तगू के ऊपर, तो वहां एक चीज और मुलाहजा किया करें कि वो जितना सख्त कुफरिया जुमला अपनी जुबान से निकालता है उतनी ही उसकी जाहिल अवाम खड़े होकर हाथ उठा उठाकर उसे दाद देती है, यानी वो इस जुर्म में उसके साथ बराबर के शरीक होते हैं। ये जालिम कहता है जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जालिम, ये मुजरिम, ये गुस्ताख अल्लाह मालिक की नुसरत का इनकार कर रहा है और जिस गंदी मजलिस के अंदर खड़े होकर ये रब की गुस्ताखी कर रहा है, इसके सामने कबर परस्त, घोड़ा परस्त, इमाम परस्त, पीर परस्त वो खड़े होकर मदारियों की तरह नाच रहे हैं और भरपूर तरीके से इसको दाद दे रहे हैं। काश इस गैदरिंग के अंदर कोई एक गैरतमंद मुसलमान होता, कोई एक गैरतमंद अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला होता और इसके गिरेबान को पकड़ के इसे मिंबर से खींच के नीचे उतारता कि तेरी गैरत कहां मर गई, तू अल्लाह की तौहीन कर रहा है, कि या अल्लाह मदद ना कहो, अल्लाह तो अपने नबी के दांत बचाने के लिए नहीं आया, इसलिए या अल्लाह मदद को छोड़ दो और सिर्फ या अली मदद का नारा लगाओ। अगर तुम्हारा ये दावा है, अगर तुम्हारा ये अकीदा है तो हम इल्जामी तौर पे तुम्हें समझाने के लिए तुमसे सवाल करते हैं कि तुम कहते हो अल्लाह को ना पुकारो क्योंकि अल्लाह ओहद में अपने नबी के दांत बचाने के लिए नहीं आया, हालांकि अंबिया पर जो मुसीबतें आती हैं वो उनकी तकदीर में लिखी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
कि जिसका ईमान जितना शदीद होता है, कवी होता है, उस पर उतनी ही ज्यादा मुसीबत आती है। सबसे बढ़कर आजमाइश नबियों पर आती है, फिर उसके बाद जितना जितना जैसा जैसा ईमान होता है वैसी वैसी आजमाइश आती है। नबी पर यह आजमाइश आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो यह आपकी तकदीर में अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी। इसका यह माना नहीं कि अल्लाह से मदद नहीं मांगनी बल्कि अली से मांगनी है। और अगर तुम्हारा यह कानून है कि चूंकि अल्लाह ने अपने नबी को नहीं बचाया तो अल्लाह को छोड़ दो और सिर्फ या अली मदद के नारे लगाओ, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं, अपने कानून के मुताबिक जवाब दो। फदक की जागीर बकौल तुम्हारे अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उन्होंने कसम की, क्या अली अपनी बीवी की जागीर बचाने के लिए आए? बकौल तुम्हारे, तुम्हारी घड़ी हुई झूठी कहानियां कि फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर सहाबा ने हमला किया, उनके दरवाजे को आग लगाई, क्या अली अपनी बीवी को बचाने के लिए आए, बचा सके? बकौल तुम्हारे झूठी घड़ी हुई मन घड़त कहानी कि फातिमतुज़्ज़हरा की बतन में मोहसिन का हमल था, वो जाया हो गया, वो बच्चा शहीद हो गया, क्या अली अपने बच्चे को बचाने के लिए आए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तुम्हारा घड़ा हुआ मन घड़त तराशा हुआ किस्सा है। अरे तुम कहते हो कि पहले तीन खुलाफा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह गासिब थे, इसीलिए अपनी अजानों में तुम सहाबा को गालियां देते हुए कहते हो कि अली खलीफा बिला फसल है। ये बिला फसल का अकीदा अबू बकर उमर उस्मान की तौहीन और कायनात के हर मोमिन की तौहीन है। तुम सहाबा को मिंबरों पे गाली देते हो, अल्लाह तुम्हारे शर को तुम्हारे गले में तुम्हारी मौत बना के लौटाए। तुम कहते हो या अली मदद कहना चाहिए, या अल्लाह मदद नहीं, क्योंकि अल्लाह तो आया नहीं मदद करने के लिए, तो अली पहुंच जाएंगे। तो अली उन खुलाफा से अपनी खिलाफत का हक लेने में कामयाब हुए जो अपना जाती हक ना ले सके। बकौल तुम्हारे वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? अकलमंदों के लिए आंखें खोलने के लिए दलाइल दे रहा हूं, अंबार लगा रहा हूं। इब्ने मुल्जिम मुजरिम मलऊन जिंदीक खबीस सैयदना अली पर हमलावर होता है, जिस हमले के नतीजे में सैयदना अली शहीद हो जाते हैं, क्या अपनी जान को मौत से बचा सके, क्या अपनी मदद कर सके? किसी की मदद तो बाद की बात है, यहां तो सैयदना अली पे हमला हुआ है, क्या सैयदना अली अपने आप को बचा सके? सैयदना हसन के साथ उनके साथियों ने गद्दारी की, मुंतहल आमाल के अंदर ये सारा किस्सा मौजूद है। उनकी सवारी पे खंजर मारा गया, उनकी रान पे खंजर मारा गया, उनके साथियों ने उनके साथ गद्दारी की, क्या सैयदना हसन को बचाने के लिए पहुंच सके सैयदना अली? सैयदना हसन को जहर दे दिया गया, शहीद कर दिया गया, क्या सैयदना अली अपने सगे लगते जिगर को बचाने के लिए आए? सैयदना हुसैन को शहीद कर दिया गया करबला के अंदर, क्या सैयदना अली करबला के अंदर सैयदना हुसैन को और उनके खानवादे को बचाने के लिए आए? अगर अकल है तो इन मिसालों पर गौर करना और समझना, याद रखना, ये अहले शिर्क हैं जो अली से अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, और अली को अल्लाह का शरीक बनाते हैं और शिर्क में इतने बढ़ चुके हैं कि ये गुस्ताखी करते हुए इनको हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। अल्लाह मालिक की वहदानियत का मजाक उड़ाने वाला एक और कड़ी मंजर अपने सामने रखिए। इनका मदारी नुमा एक जाकिर, वो क्या झूठ बकता है? तेरा रजब आने, बादशाह तशरीफ लाए, बादशाह तशरीफ लाए, बादशाह सरकार अली को मोहम्मद मालिक जहां मैं लेके आया हूं वहां से रब्त नहीं तोड़ना चाहता। ये बात इतनी बड़ी है कि पूरे 13 रजब का 2 घंटे का जश्न भी अगर मैं इस एक नुक्ते पे पढ़ूं ना तब भी थोड़ा है। तेरा बादशाह मौला मोहम्मद हाथों में अली को लेके काबे से आया, पूरा मक्का मौजूद था, लोग अपनी एड़ियां उठा उठा के मोहम्मद की गोद में अली को देख रहे थे। लोगों ने पूछना शुरू किया, मोहम्मद बच्चा किस पे गया? बाप पे गया, दादे पे गया, नाने पे गया, परदादे पे गया, जरा बताओ तो सही बेटा किस पे गया? मोहम्मद बादशाह कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, कहते हैं बताऊं तो क्या बताऊं, अगर अली को अबू तालिब के घर से लाता तो यकीनन मैं कह सकता था बच्चे का नाक अबू तालिब पे है, बच्चे की आंखें मन्नाफ पे है, बच्चे का चेहरा कुसई पे है, बच्चे की पेशानी कल्लाब पे है, लेकिन अब मैं क्या करूं, बेटा अबू तालिब
के घर से तो लिया नहीं, बच्चा काबे से लाया हूँ। फौरन अल्लाह ने कहा परेशान क्यों होता है, कहता क्यों नहीं है, चेहरा अल्लाह जैसा, आंखें अल्लाह वाली, जुबान अल्लाह वाली, हाथ अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके जवाब में सबसे पहले तो हम यही कहेंगे फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, इन झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की करोड़ों लअनतें बरसे। ये सय्यदना अली को अल्लाह करार देते हुए खुदा शिर्क कर रहा है, मेरे मालिक की, मेरे मौला की, मेरे अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है। ऐसा ही एक मंजर आपको और दिखाता हूं। आसिफ अलवी मुजरिम कहता है एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नफ्स की तशरी इन राफिदियों के यहां इन्हीं के एक जाकिर की जुबान से सुनिए ताकि आपको नफ्स का मायना भी समझ आए कि इनके नजदीक नफ्स का मायना क्या है। इस मंजिल पर हुजूर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना नफ्स बनाकर साथ ले गए। नफ्स का मतलब अरबी जबान में वो खुद माई सेल्फ, मैं उर्दू में भी कहते हैं कि मैं बनफ्स नफीस वहां मौजूद था। नफ्स का मतलब ये होता है कि इंसान जो इंसान से बहुत करीब हो उसको इंसान अपना नफ्स करार देता है। सरकार खत्मी मर्तबत का अमीरुल मोमिनीन को नफ्स रसूल बनाकर मुबाहला के मैदान में ले जाना ये खुद इस बात की दलील है कि जो कुछ सरकार खत्मी मर्तबत को हासिल था अली मुर्तजा उनके इतना करीब थे कि वो नफ्स रसूल को भी हासिल था। और सिवाय इसके कि जिसे रसूल खुद इस्तिस्ना कर दें, रसूल ने सिर्फ एक चीज को इस्तिस्ना किया, फरमाया कि या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तुम नफ्से रसूल जरूर हो लेकिन तुम नबी नहीं हो। इस बात का इस्तिस्ना खुद सरकार खत्मी मर्तबत ने फरमा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये राफिज़ी सबाई कह रहे हैं कि नफ्स का मतलब जात और सर होता है, नऊज़ु बिल्लाह। अगर अली अल्लाह का नफ्स है तो माना क्या हुआ कि अली अल्लाह ही की जात है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह तन्हा है, यक्ता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो जना गया। लैसा कमिस्लिही ही शय, उसका मानिंद कोई नहीं, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह एक है। ये नहीं है कि उस इलाह जैसे उसने अपने जैसा नफ्स बनाकर अली के भी हवाले किया हुआ कि अली भी उसी का नफ्स है, वही अल्लाह है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कबर प्रस कहते हैं वही जो मुस्तवी अर्शदा खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, ये भी वही चीज है, मीम की मरोड़ी है, वगरना अहद और अहमद में फर्क नहीं। ये कुफर के अकीदे हैं, ये कुरान से बगावत के अकीदे हैं, और ये वही अकीदे हैं जिन रास्तों पर यहूद और नसारा चले। आज ये घोड़ा परस, ये इमाम परस, ये कबर परस उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मालिक का फरमान सुनिए, लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। कुफर किया अहले किताब ने, कुफार हो गए, काफिर हो गए, जिन्होंने कहा इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, इब्ने मरियम मसीह वही अल्लाह है। तुम कहते हो अली अल्लाह है, अली अल्लाह ही का नफ्स है, अली का चेहरा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह जैसा है, हाथ अल्लाह जैसे हैं, ये वजहुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है। ये वही कुफर है जो यहूद और नसारा ने अपने अंबिया के बारे में बका था, वही कुफर आज तुम बक रहे हो, तुम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हो। हकीकी बात क्या है, जब तौहीद का पैगाम दिया जाए, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लगाई जाए, जब एक अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाया जाए, इनके चेहरे सियाह पड़ जाते हैं। और जब यह कहा जाए कि नहीं सिर्फ या अल्लाह मदद नहीं, अली भी मुश्किल कुशा हाजत रवा है, तो फिर इनके चेहरे पे खुशी आती है, क्योंकि ये शिर्क करके खुश होते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तौहीद पे कायम रखे, तौहीद का दाई बनाकर रखे, और दावत तौहीद में अपनी जान, अपना माल, अपनी जिंदगी, अपनी हर सलाहियत को खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इसी रास्ते में अल्लाह हमें शहादत की मौत देखे, अपनी जन्नतों का मेहमान बनाए। अकूलु कौली हाजा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से,
ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।